युद्ध की संभावना में जी रहे सब देश सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। एक देश अगर आपकी तरफ इतने खतरनाक इरादे रखता है तो आपका व्यवहार समझ में नहीं आता, आप स्वधर्म में ही नहीं, आप तय ही नहीं कर पा रहे कि क्या करेंगे। इस देश को लोगों को एक बार तय करना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या है। तो आप सबसे अनुरोध है कि ये जब कहा गया कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। तो दुष्यंत ने इसी गजल में यह शेर भी कहा था कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। भारत चीन सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसकी गंभीरता को समझा जाना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में डॉक्टर कुमार विश्वास का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सरहद पर इस वक्त जो हालात हैं उससे पूरे देश में हलचल का माहौल है। चीन जिसकी आंखें ठीक से खुलती भी नहीं वो आंखें दिखा रहा है, युद्ध की बातें कर रहा है, हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहा है। इन हालातों से लड़ने और डटकर मुकाबला करने के लिए डॉक्टर कुमार विश्वास का एक संदेश देश के आवाम के नाम। भारत के अभूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने तय किया कि भारत की अस्मिता का प्रतीक एक बार परमाणु विस्फोट करके देखा जाए। पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ, पूरी दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगाए, इसी अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाए। राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक और राष्ट्रनायक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सदन के अंदर कहा, भूखे रह लेंगे लेकिन हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। डॉक्टर कुमार विश्वास ने इस वक्त को समझने और इस समय अपनी कमजोरियों को, अपने आराम को दरकिनार कर देश के हित और स्वाभिमान के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन ऐतिहासिक फैसलों को याद दिलाते हुए कहा है कि हमें सूखी रोटी खाना मंजूर है लेकिन देश के आत्मसम्मान से समझौता मंजूर नहीं है। अपने थोड़े से भौतिक बल के बल पर इस देश की आध्यात्मिक चेतना और इस देश की शक्ति को आंख दिखाते हैं। हम उस विवेकानंद के वंशज हैं जिन्होंने उस पराधीनता के समय पर भी शिकागो में जाकर दुनिया के धर्मों को यह बताया था कि हम लेडीज एंड जेंटलमैन वाले नहीं, भाइयों और बहनों वाले देश हैं। वो आगे कह रहे हैं कि अयम निजा परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तु वसुदेव कुटुंबकम। हम वसुधा को एक कुटुंब के समान समझते हैं, ये संपूर्ण धरती ही एक परिवार के समान है, लेकिन अगर कोई युद्ध करेगा तो हम भारतवासी भी पीछे नहीं हटेंगे। अंत में वो कहते हैं कि इस समय की समीक्षा कीजिए, नहीं तो ना इतिहास आपका आदर करेगा और ना ही आने वाला भविष्य। मैं बोलूंगा और आपको भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि स्वर लय ताल छीन लो चाहे प्राणों से भैरव गाएंगे, हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। अपनी संततियों के लिए, अपने समय के लिए और अपने देश के लिए खुद को तैयार करिए, अन्यथा ध्यान रखिएगा, जो देश, जो समाज अपने वर्तमान की समीक्षा नहीं करता उसे इतिहास को आदर देता ही नहीं है, भविष्य भी उसके लिए रास्ता देने से इनकार कर देता है। तो आप सबसे अनुरोध है, ये कष्ट साझा है, मेरा भी है, आपका भी है, क्योंकि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मुझे आशा है कि युग के इस छोटे से चारण की, युग के इस छोटे से चंद्रबरदाई की आवाज इन नवीन पृथ्वीराजों के कान तक पहुंचेगी, इन चंद्रगुप्तों के कान तक पहुंचेगी, और आशा है कि अपने सामान्य से नागरिक, एक सामान्य से कवि, एक सामान्य से कार्यकर्ता की बात सुनकर वो इस देश के बारे में गंभीरता से वही सोचेंगे जो ये देश सोचता है। अगर आपको ये बात ठीक लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, इस आवाज को इतनी बड़ी बनाइए कि इस देश की सरकारों को, इस देश में पॉलिसी तय करने वालों को, इस देश की गति नियति की दिशाएं तय करने वाले उन सब लोगों के कानों तक, उनकी आंखों तक ये आवाज पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।